एक्टिंग चार दिन चलनी है यहाँ। अरे भाई नहीं मिला क्या आज कहीं फुटेज? मैं फुटेज लेने आ रहा हूँ, मैं दो मिनट में कहीं भी। जय हिंद दोस्तों, तो कैसे आप सब, स्वागत है आपका फिटनेस विवेक के रोस्टिंग वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस सीजन 80 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, बिग बॉस सीजन 80 का जो शो है वो शुरू हो चुका है, बवाल मचना शुरू हो गया है, रोस्टिंग वीडियो चालू हो गया है। तो आज हम बात करने वाले अपने सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर रजत दलाल के बारे में। इसके चक्कर में मेरे घर वालों को दिक्कत कितनी हुई है, और आप जैसे कुछ लोग थे, गवार लोग थे। अरे यार, इतना नहीं, आप सुनो, आप सुनो, इतने ऐसा मत बोलो। मैंने गाली दी तुम्हें, गाली होती इसका मतलब होता मूर्ख। वो ही लोग थे, नहीं मैंने गाली दी, आप तो गाली दे रहे हो। वो ही लोग थे जिन्होंने तिल का ताड़ बनाया बिना किसी बात के नाम उछाला। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि रजत दलाल काफी गर्म खून के हैं, थोड़ी सी बात पे वो मारने के लिए चढ़ जाते हैं, और कई बार तो वो जेल भी जा चुके हैं। बिग बॉस के चलते शो में यहाँ पर रजत भाई ने अविनाश को कुछ ऐसा कह दिया जिससे कि उनका जो खून था पूरा का पूरा गर्म हो गया, और उन दोनों के बीच कहासुनी हो गई। कान में बोलना रूल है नहीं है? तो ये कहीं नहीं लिखा है कि कान में नहीं बोल सकते। भाई आप कान में क्यों बोल रहे हो? ये आप देखो, उसमें अगर नहीं, मेरी टोन ऊपर है, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा आपसे, और वो आपकी वजह से हो रहा है। मैंने इनिशियली किसी को यहाँ पूरे घर में कुछ नहीं बोला। नहीं नहीं, तो अगर आप मेरे को बोलोगे मेरी मर्जी है, तो मेरी मर्जी बहुत चीजों में है, और मैं करूंगा, और तेरे पे को पाड़ा जाए असली। अभी मेरी एक्टिंग चार दिन चलनी है यहाँ। अरे भाई नहीं मिला क्या आज कहीं फुटेज? मैं फुटेज लेने आ रहा हूँ, मैं दो मिनट में कहीं भी चीची पीपी नहीं करता। अगर मैंने तेरे को बोला कि मेरे को वो चीज सही नहीं लगी, उसको क्लियर आउट कर, तो मैंने क्लियर आउट करने में तू बोल रहा मेरा मन है, तो मेरा मन है, मैं कुछ भी करूँ यार। अरे तो करो, मेरा मैं करूंगा, तेरे से पूछ के थोड़ी करूंगा, सबर रख। पूरे भारत ने वीडियो देखी आपने बाइक गिरते हुए देखी? हाँ बाइक गिरते देखा ना। मैं झूठ क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ? गेट बीच में है भाई साहब, मैं दो मिनट में मजाक बना देता। मेरे दिल में यही था कि मारे अपने हिसाब से बात करो, मैं झूठ बना दूंगा। तो गुरु अगर आप भी रजत भाई के फैन हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।